दोस्तों केदारनाथ का यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं और 16 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है और हम लोग को पूरा करना है। देखते हैं कितने समय में होता है, आज हो जाएगा कि ये कल भी जा सकता है, क्योंकि पिछली बार आए थे तो मेरा 2 दिन हुआ था। तो देखते हैं, ट्रैक करते हैं और भीड़ देख सकते हो तो कितना ज़्यादा भीड़ है, तो चलते हैं। और ये वीडियो 2021 का है, इन्जॉय करो वीडियो को। फाइनली 9.5 किलोमीटर और है हमारा डेस्टिनेशन यानी केदारनाथ टेम्पल। और अभी का जो सीन है वो काफ़ी खतरनाक है। देखो तो रामबाड़ा पहुँचने ही वाले हैं, इसके पहले एक झरना दिख गया, देख सकते हो पीछे कैसा है, काफ़ी खूबसूरत। हालत भी खराब है भाई, लेकिन मज़ा अल्टीमेट है। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, इंजॉय करो। हाँ तो अभी जस्ट रुके हैं नाश्ता करने के लिए और ऑर्डर किया हमने पराठा, और पराठा खाते हैं फिर उसके बाद कंटिन्यू ट्रैकिंग करेंगे। और पराठे की जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़ पर पीस, और बाकी तो अच्छा है। और आपको दिखाते हैं, फिर खाते हैं, फिर चलते हैं। तो ये पराठा आ गया है, अब खाते हैं फिर निकलते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो कुछ ऐसा सीन है, तो फाइनली देख सकते हो रामपाड़ा के पास आने के बाद कैसा आपको व्यू पॉइंट है वो मिला, जो कि काफ़ी अच्छा है। और पानी की जो बहाव है काफ़ी तेज है, और यहाँ पर रुकने के बाद जो फीलिंग है नंबर 1 है, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। पहले ये हुआ करता था, ये 2013 के जल प्रलय में बह गया, ये दूसरा पुल है। और बाकी तो अच्छा, एक बार मैं आपको राउंड शेप में दिखा देता हूँ। कितना खूबसूरत नज़ारा है, हमें टॉप पे जाना है, वहाँ पर केदारनाथ टेम्पल है। मैं तो एक बार आ चुका हूँ, ये दूसरी बार है, दूसरी बार का भी एकदम मज़ा आई, कुछ अलग है। कैसे सब कुछ यही नहीं रुल रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है ना। अभी बारिश हल्का हल्का हो रहा है, और जो उम्मीदें हैं कि बारिश ना हो, लेकिन अब हो रहा है तो कुछ कर भी नहीं सकते। अभी क्या हो सकता है बता नहीं सकते, लेकिन पूरा टॉप पे जाना है भाई, चलो। तो फाइनली बारिश हो रही है, और उस बारिश में हम लोग ने रेनकोट पहनकर निकल रहे हैं। आप चलते रहें क्योंकि ट्रैकिंग रुक जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग शॉर्टकट मार रहे हैं, और शॉर्टकट दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ से हमने सीधे शॉर्टकट मारा है, क्योंकि हमारा कम से कम 300-400 मीटर बच जाएगा। इस ट्रैकिंग में अगर 100 मीटर भी बचेगा तो शॉर्टकट मारेंगे, क्योंकि 100 मीटर बहुत मायने रखता है। कुछ लोगों को ये होगा कि यार बस चलना तो है, आगे केदारनाथ में एक बार आप ट्राई करो, समझ में आ जाएगा कि कितना हार्ड ट्रैकिंग होती है। अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं। ये शॉर्टकट देख सकते हो, थोड़ा ख़तरनाक है, ठीक है, सभी लोग आते जाते हैं इसी पे। बारिश थोड़ा तगड़ा में हो रहा है, और रेनकोट पहन लिए है, रेनकोट पहन के ट्रैकिंग कर रहे हैं।
देखते हैं कब तक पहुंचते हैं बाबा के धाम में। सीन बहुत ही खतरनाक हो गया है, ये देख सकते हो चारों तरफ दूध ही दूध, कोहरा ही कोहरा, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ फॉग ही फॉग। ये देखो ऐसा सीन हो गया। फाइनली भी बारिश बंद हुई है और अभी का जो सीन है देखोगे कहो तो वाकई में जन्नत जैसा है केदारनाथ। मैं बैक कैमरा कर रहा हूँ, देखो ये सीन देखो, ए यार ये सीन देखो कितना खतरनाक। और ये हेलीकॉप्टर उठ रहा है और ये चारों तरफ का मैं सीन दिखा दे रहा हूँ, चारों तरफ का सीन देखो। अभी चढ़ाई की बात करें तो करीब 4-5 किलोमीटर और है, यहाँ तक मेरे को उम्मीद है 3-4 घंटे लग जाएंगे क्योंकि चढ़ाई ऐसे ऐसे ठीक है। चलो अब अंधेरा छा रहा है और केदारनाथ है 4 किलोमीटर। फीलिंग काफ़ी अच्छी है लेकिन दिक्कत ये है कि 4 किलोमीटर काफ़ी अखर रहा है। सुबह 8 बजे से चढ़ाई कर रहे हैं नीचे पूरा, वहाँ से चढ़ाई करते 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 आज यहाँ पर आ गए हैं, अभी यहाँ पर आ गए हैं। और ये देखो ये सीन देखो कितना बढ़िया ना, तो ये पूरा आप देखो कैसा नज़ारा है, पानी पड़ा है मतलब बारिश हुई है तो सड़कें भीगी हुई हैं और सभी लोग आस्ते आस्ते जा रहे हैं। और इधर का भी सीन कुछ अलग ही है और इधर का भी सीन कुछ अलग ही है, और वो हिमालय का सीन कुछ अलग ही है और हमारा सीन भी कुछ अलग ही है क्योंकि खुशी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो केदारनाथ टेंपल पहुंचेंगे तो कल वीडियो आएगी, अरे मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा केदारनाथ टेंपल का वो काफ़ी अच्छा होगा। पहुंचने वाले हैं छावनी और उसके बाद है बेस कैंप, उसके बाद है केदारनाथ टेंपल। और अभी जस्ट पीछे का बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा काफ़ी बढ़िया है। और ये सब देखो एक बार मैं घुमा के दिखा देता हूँ यार, ये नज़ारा देखो। और कैसा लगा, बढ़िया। अभी का सीन ये है कि अब अंधेरा छा रहा है और जहाँ तक मेरे को उम्मीद लग रही है कि अब GoPro की जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी गिरेगी, डिक्रीज होगी। कारण क्या है, GoPro में नाइट का जो व्यू पॉइंट होता है वो थोड़ा सा लो होता है, दिन का तो एकदम नंबर वन। तो अभी जितना हो सकता है उतना मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और चढ़ाई बहुत है, आओ केदारनाथ कभी जा जाएगा। तो रात हो गई थी तो मैं आर्मी कैंप में रुक गया था, शरीर काफ़ी थक गया था। तो आगे कल वीडियो देखिएगा और नेक्स्ट डे की शुरुआत और काफ़ी अच्छा होने वाला है और कल हम लोग पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।